नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय चैनल माय नॉलेज में। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आपकी जो फेमस फाइनेंस कंपनियाँ हैं, जो फेमस फाइनेंस कंपनियाँ हैं लाइक होम क्रेडिट, बजाज फाइनेंसर, इस तरह की जो फेमस फाइनेंस कंपनियाँ हैं, उससे अगर आपने कोई लोन करवाया हुआ है तो उसकी जो EMI है, जो आपकी इंस्टॉलमेंट है, वो आप कैसे पे करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है। ओनली वन एप्लीकेशन से आप इन सब की पेमेंट ईजिली कर सकते हैं। अगर आपके नाम पर कोई फाइनेंस है और आप इंस्टॉलमेंट पे करना चाहते हैं, इसके लिए आपको बताना चाहूँगा कि एक एप्लीकेशंस है जो ऑलमोस्ट सारे यूज़ करते हैं, मतलब मोस्टली लोग यूज़ करते ही हैं, फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। वो यूज़ नहीं भी कर रहे हैं तो इंस्टॉल कर यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। देखिए, तो वो जो एप्लीकेशन है उसका नाम है पेटीएम। पेटीएम का नाम आप सबने सुना होगा, आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड भी होगा। मुझे नहीं पता आप उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो तरीका। देखिए, ये देखिए, आपने पहले अपना जो पेटीएम है उसको ऑन करना है। ये देखिए, मैं पेटीएम ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, पेटीएम के थ्रू आप अपनी जो फाइनेंस कंपनियों की जो इंस्टॉलमेंट है वो आप इजीली पे कर सकते हैं सिर्फ इस सिंगल एप्लीकेशन से। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, ये देखिए, जैसे मैंने पेटीएम ओपन कर दिया है, ठीक है, इसमें आप लॉग इन हो जाइए। यहाँ पर लॉग्ड इन पे जैसे ही आप जाते हैं, या मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हो रखा हूँ, आप भी लॉग्ड इन हो सकते हैं। ठीक है, आप अपने जो यूज़र आईडी है, पासवर्ड है, उससे आप लॉग्ड इन हो जाइए। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि जैसे ही आप यहाँ ब्लू लाइन पे आते हैं, इसके नीचे एक वाइट कलर की लाइन आती है ये। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अपने इसको अपने स्लाइड करते रहना है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो आइकन बने हुए हैं, इसमें आपको एक लोन का आइकन आएगा, ये वाला आइकन। ठीक है, तो इस आइकन को आपने क्या करना है, इस आइकन पे आपने क्लिक करना है। जैसे मैंने इस आइकन में क्लिक किया, ये देखिए, प्रोसीड के ऊपर आपने क्लिक करना है उसके बाद। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करते, ये देखिए, जितनी भी फेमस फाइनेंस कंपनियां हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, जैसे कि ये बजाज ऑटो फाइनेंस हो गया, ठीक है, ये बजाज फाइनेंसर हो गया, ठीक है, कैपिटल फर्स्ट हो गया, ठीक है, होम क्रेडिट हो गया, ठीक है, HDFC होम लोन हो गया, ठीक है, मिथ्यूत ये फाइन कॉप हो गया। ठीक है, तो ये सारी फेमस फाइनेंस कंपनियां हैं जिससे हमारा लोन चलता है, जिसकी EMI हम पे करने के लिए हमें अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है। किसी तरह कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है आपको, जैसे कि आपके नए कोई इंस्टॉलमेंट देनी है तो किसी तरह की प्रॉब्लम, मान लीजिए आपने होम क्रेडिट की कोई पेमेंट करनी है, ठीक है, स्किप हो चुकी है आपकी इंस्टॉलमेंट, ठीक है, किसी कारणवश क्या हुआ कि आपके अकाउंट में, मतलब कुछ भी हो सकता है जिस वजह से आप पेमेंट कर नहीं पाए, ड्यू डेट से आगे चले गए, तो आपने इंस्टेंटली पेमेंट करनी है, क्योंकि आपके सिबिल का सवाल है। सिबिल स्कोर अगर कम हो जाता है तो फाइनेंस लेने में फ्यूचर में, इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी पेमेंट करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी प्रोसेस है। होम क्रेडिट है, इस पर आपने क्लिक करना है डायरेक्टली। ठीक है, जैसे आप क्लिक करते हैं, नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट स्लैश लोन अकाउंट नंबर। जो कॉन्ट्रैक्ट स्लैश लोन अकाउंट नंबर है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आपको जो कॉन्ट्रैक्ट आईडी होती है, आपको एक पेज मिलता है, ठीक है, पहली जो वीडियो देखी थी उसमें आपको पता ही होगा, तो वो आपने 10 डिजिट का होता है बेसिकली वो। ठीक है, तो आपने वो यहाँ पे एंटर कर देनी है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है कि वो जो आपकी ये जो कॉन्ट्रैक्ट आईडी है कौन सी है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपने जब लोन करवाया था, ठीक है, तो आपको एक कॉन्टैक्ट आईडी मिली होगी, एक कागज़ मिला होगा आपको, एक पेज मिला होगा लोन समरी का। ठीक है, राइट हैंड साइड पे अगर आप सबसे ऊपर देखेंगे तो आप एक बॉक्स के अंदर एक बार बना होगा, ठीक है, उस बार के ठीक नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होगा। ठीक है, जैसे कि ये एक कॉन्टैक्ट नंबर है, ये देखिए, 3712747400। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे एक बटन है ये वाला, ठीक है, गेट पेबल अमाउंट, कितना अमाउंट पे करना है वो अपने डिटेल लेनी है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में कितना पेबल अमाउंट है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए, ये आ गया, नीचे लिखा EMI अमाउंट, ये देखिए, ये नेम आ गया, इस कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा नेम है, कपिल रघु, मतलब ये जो नाम है, आप एक बार जैसे ही आप ये डालते हैं, अगर नंबर आगे पीछे हो जाता है, यहाँ किसी और का नाम आ सकता है, तो आप नाम एक बार ज़रूर मैच कर लीजिए। ठीक है, सेम नाम है, कॉन्टैक्ट आईडी ठीक है, EMI अमाउंट इन्होंने जो इनके नाम पे जो लोन है उनकी EMI पर 3758। ठीक है, तो यहाँ जो अमाउंट है ये आप ज़्यादा भी पे कर सकते हैं, 3758 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मुझे 1 रुपीज़, मैं ये वीडियो आपको सिखाने के लिए बना रहा हूँ इसलिए मैं 1 रुपीज़ पे कर रहा हूँ।
ठीक है, मानिए मैंने 1 रुपीज़ इसमें पे करना है, प्रोसीड टू पे करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आप प्रोसीड टू पे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑफर्स आ जाते हैं, कैशबैक का ऑफर चलता है, ठीक है, शॉपिंग्स का ऑफर चलता है, तो इसमें से आप कुछ ले सकते हैं या नहीं भी लेते हैं। बेसिकली मैं कभी कुछ करता नहीं हूँ, यहाँ स्किप कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। स्किप करते के साथ ही आप यहाँ पे पेमेंट विंडो में आ जाएंगे, ठीक है, कंप्लीट योर पेमेंट विंडो में आ जाएंगे आप, ठीक है। इसमें से आप ये देखिए, अब मेरे जो पेटीएम में है, मुझे 1 रुपीज़ की पेमेंट करनी है, बट मेरे पेटीएम में बैलेंस पड़ा हुआ है 104 रुपये 33 पैसे पड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ से पेटीएम वॉलेट यूज़ करके यहाँ पे 1 रुपये की पेमेंट कर सकता हूँ। बट सपोज़ करिए कि आपके पास पेटीएम अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो नीचे देखिए सेव डिटेल में आप जा सकते हैं, या डेबिट कार्ड का ऑप्शन भी आ रहा है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्रेडिट कार्ड से आप डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर पाएंगे, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। अब सपोज़ करिए मैं अपने वॉलेट से ही पेमेंट करना चाहता हूँ, पे नाउ पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। अब पे नाउ पे क्लिक करते ही ये देखिए, ये देखिए ऑर्डर समरी आ गया। तो अब यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है, पेमेंट्स ऑफ रुपीज़ 1 रिसीव्ड बाई पेटीएम, ठीक है। तो 1 रुपये जो मैंने पेमेंट की है वो इनको रिसीव हो चुकी है, ठीक है। अब ध्यान रखिए दोस्तों कि जैसे जो आपने पेमेंट की है इसकी रसीद भी आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। तो रसीद कहाँ से मिलेगी, कुछ नहीं करना, आपने बैक जाना है यहाँ पे, ठीक है। बैक जाते के साथ ही आप सबसे टॉप पे देखेंगे ये पेटीएम लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ सर्च का बटन है, सर्च बटन के साथ में ये एक इमोजीज एक आइकन बना हुआ है गूगल्स पहन के, ठीक है, इसे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है, नीचे जाते हैं आप, ठीक है, माई ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है। माई ऑर्डर्स पे क्लिक करते के साथ ही आपको जो फर्स्ट आएगी वो 1 रुपीज़ की पेमेंट होगी, जो सबसे लेटेस्ट की है आपने वो ऊपर पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ क्लिक करने के बाद ये लोडिंग हो रही है, ठीक है। हाँ, उसके बाद नीचे आ जाते हैं रिपीट, रिपीट का मतलब है कि आपने जो पेमेंट की है अब रिपीट करना चाहते हैं, 1 रुपये की पेमेंट दोबारा करना चाहते हैं, तो रिपीट कर दीजिए। पेमेंट रिसिप्ट, पैसा रिसिप्ट लेना चाहते हैं, पेमेंट रिसिप्ट के साथ क्लिक कीजिए, ठीक है। प्लीज़ वेट लिखा रहा है, थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। तो इन ऊपर देखेंगे आप डाउनलोडिंग चल रही है आपकी, ठीक है, ये आ गया कि अब डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो ये डाउनलोड कंप्लीट होती है, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये जो आपकी जो रिसिप्ट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी लगाई हुई है, ठीक है, ये देखिए आपको पेमेंट रिसिप्ट भी मिल चुकी है। इन फ्यूचर कभी भी आपको कोई परेशानी आती है, आपने नहीं की है, किसी भी कारण कुछ भी आपको ऐसे इशू होते हैं, तो ये आप रिसिप्ट आप संभाल के रखिए कि आप दिखा सकें कि मैंने पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है, धन्यवाद।